हेलो फ्रेंड्स, आज ये रेल और समय की ये दूसरी वीडियो है मैथ की। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपनी विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन है। बाय द वे, अगर ट्रेन मतलब कि इधर से क्रॉस कर रही है और इसकी चाल दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहता है कि इसके विपरीत दिशा में, यानी कि इस साइड से कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इस साइड से दौड़ा चला रहा है, इसकी गति दे दी है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है कि यह ट्रेन जो है यह कितने सेकंड में इसको पार कर जाएगी। तो मैंने कल के वीडियो में ही बताया था आपको कि जब भी किसी आदमी को, पोल को, खंभे को, इन सबको अगर पार करता है कोई रेलगाड़ी, कोई ट्रेन अगर पार करती है उसे, तो रेलगाड़ी अपनी स्वयं की दूरी को वह पार करती है, उसी दूरी को वह तय करती है। तो अगर यहाँ पे समय पूछा गया है तो सबसे पहले हम समय के लिए क्या लिखते हैं, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड। अब कहते हैं कि दूरी चूंकि यह खुद की अपनी दूरी तय करेगी तो 150 मीटर, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई जो दी गई है 150 मीटर। अब रेलगाड़ी की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने बताया था कि जब विपरीत दिशा में कोई चले, चाहे वह दो ट्रेन हो या फिर एक ट्रेन और एक आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, तो जब विपरीत दिशा में हो तो चाल को हम लोग जोड़ देते हैं, और जब समान दिशा में हो तो हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम स्पीड को क्या करेंगे कि 90 और प्लस हो जाएगा आपका 5, जो कि आदमी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ये आपका मीटर प्रति सेकंड में है और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम भी इसे मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई करके, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और प्लस 5, ये हो गया आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हम रखेंगे चाल बराबर ये 30। अब इसे कट कर दीजिए आप, तो कितने बार में कटेगा, 5 टाइम में कटेगा, यानी कि 5 सेकेंड में यह रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब देखिए, ट्रेन इस साइड अगर इस दिशा में जा रही है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इसी दिशा में एक व्यक्ति भी जा रहा है जिसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों सेम है, यहाँ नहीं कि ये मीटर प्रति सेकंड में दे दिया गया, दोनों को किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। अब जब समान दिशा में होगा तो चाल को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अब आ जाइए, समय इसमें भी पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। तो इसमें भी व्यक्ति को पार करेगा, मीन्स की रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करेगा। तो 120 बटे चाल के लिए आप यहीं डायरेक्ट कीजिए या फिर कहीं अलग भी करके आप कर सकते हैं। तो 62 और प्लस 8 ये हमने कर दिया, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये आपका मीटर में दिया गया है, तो हम इसे भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। वो कैसे कि हम 5/18 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ पे माइनस करना है आपको, माइनस करना है, क्योंकि समान दिशा में चाल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 120 बटे, जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 और मल्टीप्लाई 5/18, इसे काट दीजिए, कितने बार में यह कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 120 बटे कितना हो जाएगा, 15, जब इसे कट कर दीजिएगा तो 8 टाइम में ये कट जाएगा, यानी कि 8 सेकेंड में यह इसे पार कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। एक ट्रेन इस साइड से और एक ट्रेन इस साइड से, ओके, इसका 121 और इसका 99, ये आपके डिस्टेंस दी गई है रेलगाड़ी की लंबाई। एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अब कहता है जब दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय बाद वह एक दूसरे को पूरी तरह से क्रॉस कर लेंगी। तो मैंने बताया था कि जब भी विपरीत दिशा में हो तो चाल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओके।
चाल को आपको करना है क्या ऐड, 40 प्लस 32 यानी कि कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमेशा डिस्टेंस भी क्या होगा, ऐड ही होगा, क्योंकि ट्रेन जब किसी ट्रेन को या फिर कोई गुफा को या सुरंग को जब वो पार करती है, मींस कि दोनों की दूरी को हम लोग ऐड करते हैं। तो इसमें भी समय आपसे पूछा जा रहा है, सेम फॉर्मूला लगेगा, समय बराबर क्या दूरी बटे चाल। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि जिन्हें याद नहीं है वो सुनते सुनते ही उन्हें याद हो जाए। तो दूरी के लिए 121 और प्लस 99, लेकिन ये आपका मीटर में है और ये जो चाल दिया गया है 72, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर देंगे। 8 से काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा ये, 4 बार में। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना बार हो जाएगा ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा आपका 20। ये जब हम इसे कट करेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 11 सेकंड में वो एक दूसरे को कंप्लीट रूप से पार कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 135 मीटर तथा 115 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 105 किलोमीटर प्रति घंटा और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, मिलने के कितने समय बाद तेज गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर लेगी। यानी कि एक ट्रेन अगर इस साइड में जा रही है जिसकी की लंबाई दी गई है 135 और चाल है 105 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कहता है इसी दिशा में, एक ही दिशा का मतलब है कि इसी दिशा में एक और ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई 115 मीटर है और इसकी चाल 69 किलोमीटर प्रति आवर दे दिया गया है। तो जब भी समान दिशा में चाल हो तो समान दिशा में चाल के लिए हम क्या करते हैं, उसे माइनस करते हैं, यानी कि स्पीड को 105 यानी कि 105 में हम 69 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, चाल हमारा बच जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, सेफ क्वेश्चन है। अब समय बराबर इसमें भी पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस तो दोनों का ऐड हो जाएगा, चाहे सेम आपका डायरेक्शन में जाए या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, आपका दोनों में ऐड हो जाएगा। तो दूरी बटे चाल कितना है, 36, ये भी मीटर में है लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 250। नीचे जब ऐड करेंगे, ये 18 से काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, और ये हो जाएगा आपका 10। 00 कट जाएगा, आगे आपका 25 क्या सेकंड आ गया आपका, यानी कि दोनों रेलगाड़ी जो है कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी, तो यह जो है 25 सेकंड। या इसमें पूछेगा कि तेज वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी, दोनों एक ही चीज है। और मैं ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, हालांकि मैंने जितने भी चैप्टर स्टार्ट किए मैंने सबको कंप्लीट कराया है, और मैं इसे भी इसी तरह और भी क्वेश्चन देकर कंप्लीट कराऊंगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 176 मीटर तथा 200 मीटर है, क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में जा रही है। पहली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति एक व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी कितने देर में पार कर लेगी। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो आप इसे बनाइए किस तरीके से, मैं आपको समझा देती हूँ। दो रेलगाड़ी है ए और बी, और दोनों विपरीत दिशा में है, तो आप तो बस रख लीजिए कि आपको स्पीड को क्या करना है, ऐड करना है। अब इसकी लंबाई 176 मीटर है और एक की है 200 मीटर, ओके। इसकी चाल दी गई है 27 किलोमीटर पर आवर और इसकी 45 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि पहली रेलगाड़ी ये में बैठे एक व्यक्ति को, यानी इसमें जो है एक आदमी बैठा हुआ है, और इसको दूसरी रेलगाड़ी कितनी देर में पार कर लेगी। ये ट्रेन जो है इसमें बैठे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, कि दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, और क्योंकि सबको याद रहता है कि जब ट्रेन क्रॉस कर रही है तो बस क्या करना है, ऐड कर देना है, और चाल में आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बस वैसे ही रखना है। अब आपको इसमें समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए, दूरी के लिए हम दोनों को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि
इस ये वाली ट्रेन जो है इसमें बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है। दैट मीन्स कि आपको ये मानकर चलना होगा कि इसमें बैठे सिर्फ मात्र व्यक्ति को उसे पार करना है, पूरी ट्रेन को पार नहीं करना है। तो आप मान लीजिए कि इसमें एक आदमी है और उसी की चाल दी गई है 27 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन नहीं, आप इसे सिर्फ आदमी मानकर चलिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को वह पार करने की बात कही जा रही है, मीन्स कि वो ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी। ओके, अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे। तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी, 200 मीटर। अब इस चाल के बारे में क्या दिया गया है, अब चाल को हम क्या करेंगे, चूंकि विपरीत दिशा में है तो दोनों चाल को हम ऐड कर देंगे, तो 27 और प्लस 45 हो जाएगा। अब ये मीटर में है लेकिन ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इसे 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 72, और 72 मैं यहाँ पे ही सॉल्व करके बता दे रही हूँ आपको, 18 से काट दीजिए, ये 4 टाइम में कट जाएगा, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, 20। अब ये 200 आपका डिस्टेंस दिया गया है और ये 20, जब हम इसे कट करेंगे तो कितने बार में कट होगा, 10, यानी कि ये ट्रेन इसे 10 सेकंड में पार करेगी। आपको इस बात को समझना होगा, और समान दिशा में जब ऐसे ही बात कही जाए तो चाल को सिर्फ माइनस कर दीजिएगा, बट आप ऐसे ही बनाइएगा, डिस्टेंस को कभी ऐड नहीं कीजिएगा। किस ट्रेन में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है और कौन सी ट्रेन उसे पार कर रही है, जो ट्रेन उस व्यक्ति को पार करेगी मीन्स कि वो ट्रेन अपनी खुद की दूरी को पार करेगी। सिर्फ चाल आपका जोड़ना है या घटाना है, दोनों को आप इसे देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।